तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द हिंदी स्क्रीन में। तो वापस आ चुका हूं मैं स्वीट टूथ सीजन 2 के पार्ट 2 के साथ। तो पार्ट 1 में हमने इसके 4 एपिसोड कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था कि टॉमी, एमी और बेयर सभी बच्चों को बचाने के लिए अपने मिशन पर निकल पड़े हैं और डॉक्टर आदित्य भी क्योर बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है, तो ट्विस्ट जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर आपने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाकर उसे देख लें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन शुरू होता है और हम गस को एबट के सामने देखते हैं। एबट उसे डॉक्टर आदित्य का पेट कहकर बुलाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन गस उससे नहीं डरता। और अब एबट उसका एक सींग कटवा देता है, क्योंकि उसने एबट के आदमी पर हमला किया था, जिसके बाद वो उसे वापस पंप हाउस में लाकर डाल देते हैं। यहाँ वैंडी गस से पूछती है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर गस उसे बताता है कि वो हमें डराना चाहते हैं। मुझे डॉक्टर आदित्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, वो हम सबको अपना एक्सपेरिमेंट के लिए मार डालेंगे। जिस पर वैंडी उसे काम डाउन कराती है और साहस देती है कि इस बार हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर यहाँ से निकलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर आदित्य एक बार फिर से क्योर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार क्योर नहीं बन पाता। उसमें वायरस डिटेक्ट हो जाता है और इसका यही मतलब था कि पिछली रात कुछ तो गड़बड़ हुई थी। डॉक्टर सिंह की वाइफ उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और डॉक्टर सिंह से जनरल एबट को सच बताने से मना करती है, क्योंकि एबट चाहता था कि डॉक्टर सिंह द थ्री को बताए कि उसने क्योर बना लिया है। बट जब उन तीनों को सच पता चलेगा तो वो लोग एबट को मार देंगे और हम लोग मौका पाकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन और बेयर अपने मिशन पर हाइब्रिड बच्चों की तलाश कर रहे थे, लेकिन वहाँ बेयर को टाइगर मिलती है और दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। बेयर टाइगर को समझाती है कि वो एबट की आर्मी से नहीं लड़ सकती, लेकिन टाइगर उसकी बात नहीं सुनती और अंत में जॉर्डन टाइगर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम द थ्री यानी कि डच, वॉस और मिसेस हेलन को दिखाया जाता है, जो जनरल एबट से मिलने के लिए पहुँचते हैं। और जनरल एबट यहाँ डॉक्टर को नहीं बोलने देता और खुद आगे बढ़कर उन सबको अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट एवरग्रीन के बारे में बताता है। एबट उनसे कहता है कि वो उन्हें एवरग्रीन में जगह देगा उनके 150 लोगों के साथ, लेकिन इस तरह के शहर को एक साल तक चलाने के लिए उसके पास साधन नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एबट को 3 चीज़ों की जरूरत होती है, खाना, पानी और बिजली, जिसके लिए उसे वॉस, हेलन और डच की हेल्प चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे मिलकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एबट का एक आदमी उन्हें ये सब करते देख लेता है, लेकिन बच्चे उसे बेहोश करके पंप रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़े जाते हैं। तो गस उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर बाकी बच्चों को बाहर निकाल देता है और खुद द थ्री के सामने मीटिंग में पहुंचकर एबट को एक्सपोज कर देता है कि वो हाइब्रिड बच्चों को मारकर क्योर बना रहा है। और जब एबट उसे चुप कराने के लिए उसे मारने का हुक्म देता है, तो एबट का भाई जॉनी गस को वहां से भगा देता है। सब लोग मीटिंग छोड़कर वापस जाने लगते हैं, तो एबट मिसेज हेलन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो वॉस और डच को मना लें हमारे प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन हेलन उससे भी एक कदम आगे निकलती है। वो उन दोनों के लोगों को मरवा देती है और उनका नाम ही खत्म कर देती है। फिर वहीं दूसरी तरफ टॉमी रेडियो से एबट की एम आर्मी को सिग्नल भेजता है कि जो पर कोई अटैक करने वाला है, और कहता है कि मुझे सिर्फ एक वो हॉर्न्स वाला हाइब्रिड बच्चा दे दो। एबट की आर्मी उसके सामने आने को बोलती है, जिस पर टॉमी उनके सामने आ जाता है, जहां उसे बॉबी मिलता है और बॉबी टॉमी को बिग मैन कहकर बुलाता है। और टॉमी समझ जाता है कि ये भी हाइब्रिड्स में से एक है और वो बॉबी को एबट की आर्मी से आजाद करा देता है। और अब एबट के लोग टॉमी को बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सिंह की पत्नी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो हाइब्रिड को मारकर क्योर ना बनाए, लेकिन डॉक्टर सिंह तो पागलों की तरह बस अपनी वाइफ के लिए क्योर बनाना चाहता था। अब जॉनी अपने भाई एबट के पास आता है और उसे बताता है कि वो लड़का गस और बाकी के बच्चे भाग गए, लेकिन एबट को पता चल जाता है कि जॉनी ने ही उसको भागने में हेल्प की है। और जब एबट उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉनी उससे कहता है कि वो बच्चे हैं, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ गस आर्मी वालों से भागते हुए टॉमी से मिल जाता है और उसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। और यहाँ हमें उन दोनों के बीच एक स्वीट और क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। बेयर भी अब जू तक पहुंच चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ एमी भी अपनी टीम के साथ जू पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है और वहां पर पर्पल फ्लावर्स का केमिकल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जनरल एबट को जू छोड़कर वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन वो अपनी टीम को वहीं बच्चों को ढूंढने के लिए छोड़ देता है और जॉनी से कहता है कि वो डॉक्टर को लेकर तुरंत एवरग्रीन पहुंचे, जहां वो सेफ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ गस ताला खोलने में टॉमी की मदद करता है, जिससे वो जेल से बाहर निकल सके। लेकिन अब पूरी स्ट्रीट में एमी के आदमियों के द्वारा बॉम्ब गिराए जाने शुरू हो जाते हैं। और जब बेयर इन सबसे बचकर जू की तरफ गस को बचाने के लिए जाने लगती है,
वहीं फिर अब जॉनी डॉक्टर को बचाने के लिए एवरग्रीन जाने को कहता है तो वो पागलों की तरह रिएक्ट करता है और जाने से मना करता है। लेकिन जॉनी उसकी वाइफ का नाम लेकर उसे वहां ले जाता है और अब एमी जब पंप रूम में पहुंचती है तो उसे वहां बच्चे नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ टॉमी गस से वहां से भागने को कहता है लेकिन गस अपने दोस्तों के बिना वहां से भागने को मना कर देता है और ना ही टॉमी को जाने देता है। फिर वहीं दूसरी तरफ बच्चे रस्सी के सहारे जू से बाहर निकलने लगते हैं। अब जनरल एबट भी अपनी वेपन के साथ एमी की टीम पर हमला करना शुरू कर देता है और सभी प्लेन को क्रैश करवाने लगता है। यहाँ फिर नेक्स्ट सीन में जब टाइगर बेयर से पूछती है कि तुमने लास्ट मैन से हाथ क्यों मिलाया और गस की इतनी परवाह क्यों करती हो, तो बेयर उसे बताती है कि मैं गस की दोस्त हूँ, उसकी मदद कर रही हूँ उसकी माँ से उसे मिलवाने के लिए। जिस पर टाइगर कहती है तुम झूठ बोल रही हो, असल में तुम गस के सहारे अपनी बहन वेंडी को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद वो बेयर से हाथ मिला लेती है उसकी बहन को ढूंढने में उसका साथ देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एमी सभी बच्चों को ढूंढते हुए डॉक्टर की लैब तक पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि इन लोगों ने रॉय को मार दिया है और ये सब देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और गुस्से से लैब में आग लगाकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब आर्मी के लोग बच्चों को पकड़ने वाले होते हैं तो टॉमी और गस आकर उनसे फाइटिंग करते हैं और सभी बच्चों को बचा लेते हैं। जहां दूसरी तरफ अब एमी वेंडी से मिलती है और अब टॉमी सभी बच्चों को बस में बिठाकर जू से बाहर निकलता है और गस से प्रॉमिस करता है कि वो सभी बच्चों को यहां से निकलकर वापस वेंडी को लेने आएगा क्योंकि वेंडी उन सबसे अलग हो गई थी। लेकिन यहां फिर थोड़ी देर बाद वेंडी और एमी भी बस में आ जाते हैं और एमी को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और यहां एमी टॉमी को थैंक यू भी बोलती है उसकी मदद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब तक एबट सारे प्लेन को क्रैश कर चुका था और जब तक वो जू पहुंचता है तब तक सारे बच्चे उसके सामने वहां से निकल चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आदित्य अपनी लैब देखता है, अब वो पूरी तरह जल चुकी थी तो ये सब देखकर बौखला जाता है और जब वो वापस अपनी वाइफ से मिलने पहुंचता है तो वो भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन एबट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, वो सब अब आजाद होकर एक नई शुरुआत करने को निकलते हैं। लेकिन फिर रास्ते में उन पर हमला हो जाता है और उन सबको बचाने के लिए बेयर भी अपनी एनिमल आर्मी के साथ उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाती है और वहां फिर बॉबी भी उन सबको मिल जाता है। यहां फिर बेयर टाइगर से प्रॉमिस लेती है कि वो उन सब यानी कि लास्ट मैन आर्मी को खत्म कर दे और एनिमल आर्मी अनाउंस करती है कि वो लास्ट मैन को खत्म कर देंगे और ये कहकर वो सब यहां से मिशन पर चले जाते हैं। फिर यहां बेयर अब गस से मिलती है और टॉमी और गस को हग कर लेती है जिसके बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहां हम बर्डी को देखते हैं जो गवर्नमेंट से लैब के हमले के बाद सारे सबूत छिपा रही होती है लेकिन आखिर में वो पकड़ी जाती है और वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब हम प्रेजेंट के समय में बेयर गस और टॉमी को एक दूसरे से बात करते देखते हैं जहां फिर बेयर गस को बताती है कि मेरी बर्डी यानी कि तुम्हारी माँ से बात हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए कैसेट भेजा है। बेयर उसे ये भी बताती है कि मैंने बर्डी को तुम्हारे बारे में बताया, वो तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई। यहाँ फिर बेयर अपनी बहन वेंडी से भी मिलती है और उसे बताती है कि मेरा असली नाम बेकी है और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन वो अभी भी वेंडी को सच्चाई नहीं बताती कि वो उसकी बहन है। इसके बाद टॉमी थोड़ा आगे जाकर बस थोड़ी देर के लिए रोक देता है जहां पर बच्चे एंजॉय करते हैं। उसके बाद यहां टॉमी को पता चलता है कि एमी भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है और एमी के पास उसका क्योर भी होता है लेकिन वो उसे लगाने से मना कर देती है क्योंकि वो उसके बच्चे रॉय को मारकर बनाई गई थी। जिसके बाद एमी टॉमी से कहती है कि मेरे बच्चों को केबिन तक सुरक्षित पहुंचाने में मेरी मदद कर दो, जिस पर टॉमी राजी हो जाती है और वो सब वहां से आगे बढ़ते हैं जहां फिर अगली सुबह ये लोग केबिन तक पहुंच जाते हैं और सारे बच्चे वहां पहुंचकर बहुत खुश होते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि उनकी माँ एमी जल्दी ही मरने वाली है। जहां पर फिर सभी बच्चे बेयर के साथ मिलकर काफी गेम्स खेलते हैं और इंजॉय करते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट सीन में टॉमी गस से पूछता है कि तुम घर आकर खुश तो हो ना, जिस पर गस कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ और अब तो मेरे सारे दोस्त भी मेरे साथ हैं। जिसके बाद फिर टॉमी गस को उसकी मॉम की कैसेट प्ले करके देता है और गस उसे सुनता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां गिलियन वॉशिंगटन के पास बर्डी आती है और यहां गिलियन वायरस इन्फेक्टेड थी, वो पेशेंट जीरो होती है, मतलब कि सबसे पहले वो ही इन्फेक्टेड हुई थी और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि गिलियन ने उन माइक्रोब्स को खुद पर इंजेक्ट किया था क्योंकि वो लोग अपने आप ही ह्यूमन ट्रायल तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उसने खुद पर टेस्ट किया और अब इसे रोकने का एक ही तरीका होता है कि उन्हें गस को टेस्ट करना होगा। गिलियन यहाँ बर्डी को यह भी बताता है कि उसके ग्रैंडपा रिचर्ड फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में अलास्का गए हुए थे,
उनका मानना था कि इससे उनकी बीमारी का इलाज हो जाएगा, जिसके बाद वो और उनका क्रू वहां से कभी वापस नहीं आया। गिलियन फिर कहती है, ये सब हमारी वजह से हुआ है, तो उसे रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है और गस ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन बर्डी गस को अपना बच्चा मानती थी और उसे एक्सपेरिमेंट के लिए कुर्बान नहीं करना चाहती थी। वो गिलियन से कहती है कि वो गस को ले आएगी, लेकिन बर्डी कभी भी गस को ढूंढने नहीं जाती क्योंकि इससे गस की जान को खतरा हो सकता था, और वे सारी बातें टेप में रिकॉर्ड करके गस के लिए छोड़ देती है ताकि गस को पता चल सके कि उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आई, और फिर वो अलास्का क्योर ढूंढने के लिए निकल जाती है। और स्टार्टिंग के सीन में जो हमें डेड बॉडीज मिली थी वो गिलियन के ही ग्रैंडपा डॉक्टर रिचर्ड और उनके साथियों की ही थी, और वो जनरल भी डॉक्टर रिचर्ड का ही था। वहीं फिर हम बियर को टाइगर से बात करते देखते हैं, जो टाइगर से जू के लोगों के बारे में पूछती है, जिस पर टाइगर उसे बताती है कि हम अभी भी एबर्ट को ढूंढ रहे हैं, अगर एक बार वो हमें मिल जाए तो हम उसे मार देंगे। जिसके बाद टाइगर बियर से बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर बियर उसे बताती है कि बच्चे ठीक हैं और वेंडी भी मुझे मिल गई, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। जिस पर टाइगर उसे कहती है कि हिम्मत करके तुम उसे बता दो कि वो तुम्हारी बहन है। जिसके बाद बियर उसे मिलने के लिए केबिन पर बुलाती है और एबर्ट ये सब बातें सुन लेता है और उसे बच्चों का पता मिल जाता है। जिसके बाद हम वेंडी को ड्राइंग करते देखते हैं, या फिर बियर उसके पास आती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि वो उसकी बहन है, लेकिन वो उसे कुछ बता नहीं पाती। इसके बाद वेंडी एमी के साथ चली जाती है, जिसके बाद टॉमी गस के पास आता है और पूछता है बर्डी ने कैसेट में क्या कहा, जिस पर गस उसे बताता है कि वो अलास्का में है, मुझे उनकी मदद करने जाना है। लेकिन टॉमी उसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम नहीं चाहती कि तुम उनकी चिंता करो, वो स्ट्रांग वुमन है और अपना ख्याल खुद रख सकती है, तुम जाओ और बच्चों के साथ एंजॉय करो। फिर रात के समय सभी बच्चे और एमी बॉनफायर के सामने बैठे होते हैं। वहां एमी बच्चों से कहती है कि तुम सभी हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, कभी एक दूसरे से अलग मत होना। लेकिन गस अभी भी अपनी मॉम की याद में था और वो रात में ही केबिन के बाहर निकल जाता है, और टॉमी भी उसकी चिंता करता हुआ उसके पीछे जाता है, और फिर वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं। और तब तक बेयर भी वहां आ जाती है और उनको वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वहां टाइगर घायल हालत में आती है और बेयर को बताती है एबर्ट यहां आ रहा है, तुम सब जल्दी यहां से भाग जाओ। यहां तक कि जनरल एबर्ट बेयर के बाकी दोस्तों को भी मार देता है, जिसे देखकर जॉनी बहुत इमोशनल हो जाता है और अपना सामान लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल एबर्ट उसके पास आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर आदित्य पर, जो बैंगनी फूलों के बीच बैठा हुआ था, और यहां उसे पता चलता है कि मैं इन फूलों में जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि उसके पास गस का सींग था, और वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि गस ही इस बीमारी का क्योर है। वहीं दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं, जो टॉमी और गस से कहती है कि हमें अब एबर्ट से भागना नहीं है, हमें उसे रोकना होगा, जिस पर टॉमी और गस भी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं, और बेयर भी अब अपने दोस्त को दफनाकर एबर्ट से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाती है। या फिर सभी बच्चे वहां से जाने से पहले एमी को गिफ्ट देते हैं और बेयर सभी बच्चों को लेकर वहां से दूर गस के दोस्तों के पास निकलने लगती है, और अब टॉमी गस और एमी ही वहां बचे थे एबर्ट से लड़ने के लिए। जहां फिर दूसरी तरफ एबर्ट अपने भाई के साथ चौपर में बैठकर केबिन की तरफ बढ़ रहा था, और वो दोनों बातें करते हैं और अपने बचपन की मेमोरीज को एंजॉय करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो तीनों मिलकर जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। और अब एबर्ट जंगल में पहुंच जाता है, जहां फिर जॉनी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे और बच्चों को जाने दो, लेकिन अंत में एबर्ट उसे मार डालता है। जिसके बाद एबर्ट अपनी आर्मी के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां वो तीनों थे, और अब सभी के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। वो तीनों बहुत बहादुरी से एक एक करके सभी लोगों को मार रहे थे, जहां पर दूसरी तरफ वेंडी उन तीनों के लिए परेशान थी। वो बेयर से कहती है कि हमें भी उनकी मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन बेयर उसे कहती है हमें यहां से निकलना होगा, वो तीनों बहादुर हैं, एबर्ट से लड़ लेंगे। जिसके बाद टॉमी और एबर्ट के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ वेंडी बेयर को वहीं छोड़कर एमी की मदद करने के लिए भाग जाती है। इसके बाद एबर्ट टॉमी को हराकर आगे बढ़ता है, जहां फिर टॉमी एमी को बता देता है कि एबर्ट उनकी तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद एमी गस को नीचे तहखाने में बंद कर देती है और खुद एबर्ट से लड़ने के लिए आगे खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेयर भी वेंडी को ढूंढते हुए उसके पीछे आती है, और यहां फिर वेंडी को पता चल जाता है कि बेयर उसकी बहन है। वहीं फिर एबर्ट भी एमी के पास पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब एबर्ट को पता चलता है कि एमी इन्फेक्टेड है तो वो उससे दूर भागता है, लेकिन अब एमी उसे भी इन्फेक्ट कर देती है, और इसी दौरान एमी की पॉकेट से दवाई निकलकर बाहर गिर जाती है, जिसे लेने के लिए एबर्ट आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक गस बाहर निकलकर उसे लेकर भाग जाता है, और एबर्ट उसके पीछे बंदूक लेकर जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि टॉमी वहां आ जाता है, और तब गस बहुत जोर से चिल्लाता है
जिसे सुनकर बहुत सारे बड़े बड़े जानवर वहां जाते हैं और वो एबट के पीछे लग जाते हैं। फिर हमें यहाँ वेंडी और एमी के बीच एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है और तब तक घायल एबट गस को तीर मार कर घायल कर देता है और खुद भी मर जाता है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से गस कुछ दिनों के लिए कोमा में चला जाता है और अब एमी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। टॉमी और सभी बच्चे एमी को दफनाते हैं और सभी इमोशनल हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बेयर और वेंडी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और यहां बेयर को पापा के सामान से अलास्का का मैप मिलता है और वहीं दूसरी तरफ गस को बेहोशी की हालत में अपनी मॉम बर्फ में बैठी मदद के लिए पुकारती दिखती है और उसे होश आ जाता है और वो बेयर और टॉमी को बताता है कि बर्डी उसे बुला रही है, जिसके बाद वो सभी अपने नए मिशन अलास्का के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन गस की कहानी अभी भी बाकी है और इस बार वो अकेला नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए डू सब्सक्राइब द हिंदी स्क्रीन।